भूतपूर्व प्रभाग समिति अध्यक्षा भूतपूर्व नगर सेविका सुजाता उदेश पाटेकर जी ने अपने वार्ड के लोगों के लिए बूस्टर डोज शिविर का आयोजन किया। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को कोरोना से रक्षा करने हेतु आने वाले दिनों में गणेश उत्सव और नवरात्रि उत्सव को देखते हुए लोगों की जान जोखिम में न पड़े वो सुरक्षित रहे कोरोना से, इसलिए बूस्टर डोज शिविर का आयोजन किया। और गणेश उत्सव की जो अभी तैयारियां चल रही है, आपके वार्ड में किस तरह की तैयारी चल रही है? देखिए, गणेश जी का जो आगमन होता है लोगों में एक बहुत सारा उत्साह रहता है, और नवरात्रि भी हमारे यहाँ गुजराती क्राउड है और महाराष्ट्र क्राउड भी नवरात्र उत्सव मनाता है अलग से। मतलब ये 2 साल के बाद जो कोविड के इसमें देखेंगे तो उतना हम लोग अच्छे जोरों जोरों से कोई भी उत्सव मना ही नहीं था, लेकिन ये साल तो कोई भी रिस्ट्रिक्शंस है ही नहीं, तो भी खुद का ध्यान रखते हुए हर मंडल सभी अरेंजमेंट करते हुए बड़े जोरों से गणेशोत्सव मना रहा है। धन्यवाद। बूस्टर डोज का जो शिविर रखा है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आज मेरे वार्ड में जो यहाँ पे बूस्टर डोज का प्रयोजन किया गया है, खास करके स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी आने वाले गणेशोत्सव जो हमारा महाराष्ट्र लोगों का है, तो बहुत सारे लोग गाँव जाने वाले हैं, और जो भी मुंबई में रहेंगे तो वो गणपति दर्शन के बहाने इधर उधर दर्शन हर मंडल के तरफ जाने वाले लोग रहते हैं, तो गर्दी का प्रमाण ज़्यादा, भीड़ ज़्यादा होती है, तो वो ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज का ये कैंप हम लोग ने अरेंज किया है। क्योंकि अभी जो भी लोगों ने पहला डोज दूसरा डोज लिया है उसका असर अभी ख़त्म हो गया, और गवर्नमेंट ने जैसे हमें कहा है कि बूस्टर डोज भी ज़रूरी है, तो आने वाले कई महीनों तक इसका असर रहेगा। मतलब जैसे नवरात्रि हो, दिवाली हो, और गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि आने वाले हर साल या 6 महीने बाद अपने को ऐसे डोसेस अभी लेने पड़ने वाले हैं। कितने डोजेस हैं यहाँ पे दिए जा रहे हैं अभी? वैसे नहीं, जो भी पर्सन आएंगे दोपहर 1 बजे तक उनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, और समझो हमारे यहाँ से डोसेस ख़त्म भी हुए तो भी हम हमारे ऑफिस से BMC की तरफ से मंगा सकते हैं, और वो लोगों को कल भी डोज हम लोग देंगे। कितने भी लोग आने दो वार्ड के। अभी हमने देखा आपने भी बूस्टर डोज लिया है, उस पर आपके हाँ ये तो ज़रूरी है, गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइन है वो हिसाब से मेरा बूस्टर डोज ड्यू था, तो मुझे ज़रूरी लगा कि अभी गणपति है, सब भीड़ भाड़ में हमें भी जाना है लोगों के कामों के लिए, तो वो हिसाब से हेल्थ इशू महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोविड थोड़ा थोड़ा बढ़ भी रहा है दिल्ली में, तो मास रिटर्न आ गया है, तो वही सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैंने ये बूस्टर डोज ले लिया है। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। आज आपने भी बूस्टर डोज लिया है, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? वही अभी 6 महीने दूसरा डोज भी हम लोग का कंप्लीट हो गया, और जैसे कि अभी मैडम ने कहा कि अभी गणेश उत्सव आ रहा है तो हम लोगों को भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाना चाहिए, तो अगर हम अपना ख्याल रखेंगे तो ही हम लोग वार्ड का और आगे सब जनता का भी ख्याल हम लोग को रखना है, तो ये उसकी वजह है, और सब लोगों को लेना चाहिए। जिसका भी अभी दो डोज कम्प्लीट हो गया तो उन्होंने भी बूस्टर डोज लेना है, और खुद का ख्याल अपने आपको खुद को ही रखना है।